अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम दोस्त। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। मैं वेलकम करता हूँ आप सबको अपने चैनल समीउल्लाह खान 92 में, जो कि एयर कंडीशनिंग के बारे में है। ये जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की, ये फ्लोर स्टैंडिंग यूनिट है यॉर्क कंपनी का। इसमें प्रॉब्लम हमें ये आ रही थी कि इसकी जो कॉयल जो जो फ़ैन एयर थ्रो हो रही थी इसमें, वो बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी उसमें एरिया में। तो जिसकी वजह ये थी कि हमने उस कॉयल को क्लीन भी किया, हर तरह से ट्राई किया, लेकिन वो स्मेल नहीं गई उसमें से। और एट द एंड हमें वो कॉयल जो है वो खोलनी पड़ी, ताकि हम इसे खोल के क्लीन करें अच्छी तरीके से। तो फिर हमने जो है वो पूरा यूनिट ओपन किया इसको। तो ये सब वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है इसलिए ताकि कल को अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप भी इस तरह से कॉयल जो है वो खोल सकते हैं, इसके फ्लेयर नट खोल लें। और उसके बाद जो भी है स्टेप बाय स्टेप मैंने इस वीडियो में शेयर कर दिया आपके साथ कि किस तरह इसको ओपन करना है और फिर किस तरह इसको वॉश करना है कॉयल को, वॉश किया है और ताकि अच्छे से क्लीन हो गए। अच्छे से जब हमने इसको क्लीन कर लिया और दोबारा इसको फिट किया और दोबारा इसको फिर जब रन किया एसी को, तो इसमें हमारी जो कंप्लेन थी स्मेल की, वो जा चुकी थी। जो काफ़ी मुश्किल पेश आई हमें, क्योंकि पूरा यूनिट खोलना पड़ा इसको। उसकी वजह ये थी स्मेल की, क्योंकि वो जो मिट्टी उसके अंदर जमी हुई थी, जैसे ही वो मॉइस्चर आता था मिट्टी के ऊपर, तो उसमें जो है वो बैड स्मेल क्रिएट होती थी उससे। तो ये वो वजह थी कि हमें उसको खोलना पड़ा और दोबारा से उसको रीइंस्टॉल करना पड़ा कॉइल को। फ्रियोन, आप इसको ओपन करने से पहले फ्रियोन को पंप डाउन कर लीजिएगा, ताकि आपकी जो फ्रियोन है वो ज़ाया ना हो, दोबारा आपको रिचार्ज ना करना पड़े इसको। और पंप डाउन करने का जो तरीका है वो मैं आपको आगे इंशाल्लाह वीडियो में शेयर करूँगा, तो आप उससे सीख सकते हैं कि किस तरह जो है फ्रियोन पंप डाउन की जा सकती है। और ये हमारा पूरा काम कंप्लीट ओके होने के बाद हमने दोबारा एसी को स्टार्ट कर दिया और हमारी जो कंप्लेंट थी वो जा चुकी थी, वो स्मेल इस यूनिट में अभी नहीं आ रही थी दोबारा। जो हमें मुश्किल पेश आई थी और उसका हल यही था कि उस कॉयल को हम निकाल कर क्लीन करें। बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वॉच करने का। थैंक यू वेरी मच।